हेलो एवरीबॉडी, सो दिस इज़ परविंदर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, 6 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, जो कि डिजिटल इंडिया को 6 साल हो गए, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से अचीवमेंट्स जो है डिजिटल इंडिया ने इंडिया में चेंजेस लाए हैं, साथ में इसके वे फॉरवर्ड्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये इसका PDF नोट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है नीचे और कमेंट में भी मेंशन करूँगा मैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों, बिकॉज इंडिया ने अभी रिसेंटली जो था 6 ईयर मार्क कर लिए अपने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, तो इसलिए जो रिसेंटली ये न्यूज़ में आया। तो अगर इंडिया की टैकेट की बात करें, तो इंडिया टैकेट मासिव अपॉर्चुनिटी दी है इसने इंडिया को, कंट्री को, इन द टैकेट 10 सालों में जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया को प्रोवाइड करी है। फिलहाल 6 साल ही इसको, 2015 में लॉन्च हुआ था, 6 साल हुए हैं, बट थ्रूआउट द डेकेड जो है ये फंक्शनिंग करना शुरू कर दिया था। तो इसकी वेरियस स्कीम्स की अगर बात करें, तो उसमें डिजिटल इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, लाइक दिशा ऐप, तो ये आपको पता होगा NCERT ने लॉन्च करी थी, ताकि टीचर्स, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, तो जिससे टीचर्स जो थे अक्रॉस द नेशन जो थे वो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को एक बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो लॉकडाउन में जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में इसका काफ़ी यूज़ किया गया। सेकेंड है ई नाम जो है पैन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल फॉर लिंकिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट। तो इससे जो है जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे वो थ्रू आउट द इंडिया हम कहीं पे भी लिंक करवा सकते हैं, APMC में जो होते हैं मार्केट्स होते हैं, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर मंडीज़ के लिए ई नाम है ये। देन ई संजीवनी जो थी ये टेली मेडिकेशन सर्विस थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट करी थी। तो हेल्थ एंड फैमिली जो है इन्होंने टेली मेडिकेशन जो आप इन द कॉल जो आप कोई भी मेडिकल असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी भी जो रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल से हो सकते हैं या डॉक्टर से। डिजी बुनाई एक एड है जिसमें वीवर्स यानी जो कढ़ाई हाथ से कढ़ाई करते हैं, लाइक जो चादर बनाते हैं या शॉल वगैरह बनाते हैं, उनके लिए थी, जिससे कि वो अपने साड़ी के डिज़ाइन जो थे अपलोड करते थे ऑनलाइन, जिससे उनको जो था काफ़ी जो थे एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो इसमें जो थे जकवाड एंड डोबी वीवर से, ये दोनों वैरायटी होती है, तो आप इनकी इमेजेस जो है वो गूगल करके देख सकते हैं कि कौन से वीवर होते हैं और क्या क्या ये डिज़ाइन करते हैं। देन आपकी PM स्वनिधि आ गई। तो PM स्वनिधि में आपको याद है लास्ट ईयर जो था, जो आत्मनिर्भर प्लान में जो था इसको इंक्लूड किया गया था, जिसमें आपको वेंडर को जो था लोन दिया जाता था अफोर्डेबल रेट्स पे। तो स्ट्रीट वेंडर जो थे इसका, इन्होंने काफ़ी जो था इसके इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाया था, तो ये भी एक जो था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है। देन COVID-19 में जो था कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप थी आरोग्य सेतु, ये भी जो था डिजिटल इंडिया में आती है। तो अगर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की थोड़ी सी इसके पास्ट में जाएँ 5-6 साल पहले, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट जो थे आस्पेक्ट्स रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड की थी, लाइक भारत नेट जो मैंने आपको कल बताया भारत नेट के बारे में, देन मेक इन इंडिया जो था, देन स्टार्टअप्स काफ़ी इंडिया में स्टार्ट हुए थे इस प्रोग्राम में, देन स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ETC, ये सब कुछ एक विजन्स थे जो आफ्टर द जो था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बाद लॉन्च हुए इंडिया में। तो वह जिसके विजन एरिया की बात करें, तो ये एवरी सिटीजन्स के लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया इसने हर इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो गवर्नर ने उसकी सर्विस को इसने ऑनलाइन रखा, लाइक उमंग ऐप हो गई, जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट के अप्रोक्सीमेट 127 डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑनलाइन है, जिसमें कोई भी जो अपना लॉगिन करके चेक कर सकता है। तो उसमें ग्रेवियंस, बाकी आपको अप टू डेट लाइफ एंड डेली जो अप टू डेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन डिजिटल एम्पावरमेंट टू सिटीजन, तो इससे जो था डिजिटल एम्पावर्ड सिटीजन हुआ, जिससे कि लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखो तो उससे काफ़ी ज़्यादा सिटीजन एम्पावर्ड हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इंडिया को एक बेटर नॉलेज देता है ये जो टेक्नोलॉजी, उसकी एक इंडिया को इसने अच्छी खासी नॉलेज दी है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है अपनी डेली लाइफ में जो था इसको यूज़ कर सकते हैं। तो IT सेक्टर में जो था इसका आपको पता, IT में काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है, IT डिपार्टमेंट में काफ़ी जो थे टेक्नोलॉजीज की यूज़ हुए हैं, IT काफ़ी सेक्टर काफ़ी जो है ग्रो अप किया है इसमें इंडिया का। तो मेक इन एनेबल सेंटर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को काफ़ी जो है इसने टेक्नोलॉजी के मामले में एनेबल किया, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट जो है सिंगल रूफ के अंदर कवर किए गए, लाइक उमंग ऐप में जैसे मैंने आपको बताया 127 डिपार्टमेंट्स जो है इसमें कवर किए गए। तो ये कुछ एक जो पिलर्स हैं इसके, वहाँ से उसके बारे में बात करते हैं, लाइक
ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गया, यूनियन एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो गया, ई गवर्नेंस ऐप्स हो गए, IDN जॉब्स हो गए, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल हो गया एंड ई क्रांति हो गई। ये कुछ एक 9 पिलर्स हैं जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत लाए गए थे। वहीं इसकी अचीवमेंट्स जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी डिजिटल इंडिया की रही, डिजिटल पेमेंट जो कि UPI के थ्रू की जाती है। आपको पता सब डिजिटल पेमेंट करते हैं हम, तो उसके बेनिफिट जो थे एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हर एक इंसान को मिली जो भी UPI यूज़ कर रहा था उसको डिजिटल पेमेंट के लिए काफ़ी हेल्प मिली, चाहे वो बिज़नेस को ग्रो करना हो या किसी स्ट्रीट वेंडर को अपना ट्रांजेक्शन क्लियर करनी हो, तो ये UPI की हेल्प से जो था ट्रांजेक्शन क्लियर कर सकते थे। इसमें जो था काफ़ी जो था अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे हैं इंडिया को डिजिटल पेमेंट ने, तो लाइक पहले आपको बैंक्स में खड़ा होना पड़ता था, तो अभी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से काफ़ी जो है टाइम सेविंग और अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे हैं। वहीं पर बैंक वालों पर काफ़ी एक बर्डन कम हुआ है, जिसमें वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू जल्दी जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन बिजनेस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक KYC यानी KYC अपडेट करने के लिए आपने जो था नो योर कस्टमर, जिसमें आप EPF वगैरह या बहुत से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आधार वगैरह, तो वो उसमें लिंक कर सकते हैं ताकि आपको अब डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ई KYC एक अलग से एक साइट है, साथ में ही आपको उमंग में मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी जो थी सिग्निफिकेंट इसकी एप्लीकेशन रही है। देन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोरेज डिजिटल लॉकर जो कि आपको उमंग ऐप में मिल जाता है, इसमें आप अपने जो है कॉन्फिडेंशियल जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके हार्ड डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं तो आप इसके यूज़ करके जो अपना जो है आइडेंटिफाई करवा सकते हैं अपने आप को। देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिस्टम, ये भी बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहा है ऑपरेशंस में। नाउ बियॉन्ड द जैम JAM ट्रिनिटी, तो जैम ट्रिनिटी जो थी कि कब स्टार्ट हुई थी, जनधन आधार एंड मोबाइल, सो ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट था जिसमें जनधन अकाउंट को आधार से एंड मोबाइल नंबर से लिंक किया जाता था। तो अभी ये जो है सिस्टम कोविड के टाइम पे भी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में भी ये यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि इंडिया जो है ट्रैक कर रहा है कि कितने जो है वैक्सीनेशन नंबर ऑफ वैक्सीनेशन पीपल्स जो है हो गए हैं इन द इंडिया। सो आगे इसके वे फॉरवर्ड्स की बात करते हैं, तो एक रोड मैप रहा है जो डिजिटल इंडिया एक काफ़ी बड़ा रोड मैप रहा है, जिसमें कि इसने काफ़ी लिटरेट पुअर पीपल्स को लिटरेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बिल्डअप किया, इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी एनहांस किया इसने, साथ में क्वालिटी ऑफ इंटरनेट भी काफ़ी जिसने बढ़िया करी है इंडिया में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो था डिपार्टमेंट्स, वो भी काफ़ी इशू रिजॉल्व हुआ है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, लाइक उमंग ऐप में आप ग्रेवेंस वगैरह इशू कर सकते हो दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो इशू जो है काफ़ी सॉल्व किया इसने। देन इसकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह थी, टैक्सेशन में भी काफ़ी इसने हेल्प किया, जो आपके टैक्सेशन के अब ई टैक्स वगैरह जो नया पोर्टल आया अभी 2-3 दिन पहले, उसमें भी काफ़ी जो है इसने डिजिटल इंडिया ने हेल्प की, जो ऑनलाइन आप अपनी टैक्सेशन भर सकते हैं। तो वहीं इसके कुछ जो साइंटिफिक अब इंक्लूजन्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि इंडिया को इस पर फोकस करना है, लाइक इंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर रहे हो गए इसमें, एक्सेस डाटा एंड लोअर कॉस्ट ऑफ द डिवाइस स्पेशली स्मार्टफोन, तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही कि डाटा का हमारे इंडिया में बहुत कम रेट है उसका, आई थिंक 4 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो डाटा अवेलेबिलिटी है, और डिवाइस भी हमारे इंडिया में कंपैरेटिवली लो प्राइस में है। हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो भी इंडिया के जैसे चल ही रहा है, कि ट्रायल चल रहे हैं 5G या 6G पे। क्वालिटी ऑफ लोकल लैंग्वेज कंटेंट, लोकल लैंग्वेज लाइक गूगल ने भी अब लोकल लैंग्वेज में जो है अपना पेज डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, तो सेफ साइबर स्पेस और सिक्योरिटी जो है सेफ होनी चाहिए, रेडनेस और डेयरनेस अलाउंस ग्रेवियंस ऑफिसर, ये सब जो है डिजिटल इंडिया में जो है इसके अंतर्गत जो है पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट के अपने ग्रेवियंस ऑफिसर्स जो है प्रोवाइड किए उन्होंने। देन रिन्यूएबल एनर्जी स्टीमलेस पावर ग्रीन एनर्जी, ये कुछ है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विस जो कि अब ऑनलाइन प्रोवाइड किए गए, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट जो है आपस में लिंक हो गए। तो इस यही था छोटा सा एक आर्टिकल था, सो इसका PDF जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। So, thank you for watching the video and subscribing my channel.